ये देखिए, ये रही साड़ी, और ये साड़ी मैं दे रही हूँ विदाई में। ये देखिए येलो कलर की साड़ी है, और ये छोटे से बाबू के लिए ड्रेस है, क्या बोलते हैं कपड़ा, जो छोटा बाबू एकदम। आप लोग कमेंट कर रहे हैं अंग्रेज की तरह बच्चा कौन है, उस बच्चे के लिए मैं ये गोलू प्रियंका लेके आई हैं। ये पैंट है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुंदर सा है। हाँ हाँ, हम लोग कमेंट किए हैं उसके लिए। हाँ ये देखिए, ये सिंदूर बिंदी, ये सिंगार की चीजें मैंने लगा दिया है, और ये है, और उसके साथ में ये है, ये एक फोन मैं दे रही हूँ। ये आप लोग बताइएगा। हेलो जी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, और रम्या, अरे प्रियंका इधर तो देख लो एक बार, बेचारी एकदम थकी हुई है और बना रही है पोहा। ये देखिए प्याज काट दिया गया है, और ये चूरा था तो मैंने सोचा कि इसका पोहा बना लेते हैं, और बर्तन लगभग मैंने सारे यहाँ पे धुल दिए हैं, अब इनको जमाना बाकी है। मुझे भी आप लोग देख लीजिए, थकान बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है, और अभी तो थके ही नहीं है। अभी तो जितना बेडशीट, ये का क्या इसको जो भी बोलते हैं, ये सब जब हम धोएंगे और जब अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी ना, तब असली पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बस थोड़े देर के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए पोहा बन चुका है, एक साइड थोड़ा हटोगी क्या, देखिए ये सबके लिए पोहा लग चुका है यहाँ पे। चूरा एकदम ज्यादा, और यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी बना दी है, तो पोहा के साथ में चाय भी ले जाना पापा को। रुक जाओ एक सेकेंड, गोलू को उठाओ। ए गोलू चाय पी लो, चाय पी लो, पोहा खा लो, उठ जाओ, बेचारी बहुत ज्यादा थक गई है, चाय पी लो, चाय पी लो। देखिए ये मैं की बुआ के लिए ले जा रही हूँ पोहा, और नाश्ता मैंने यही इजी लगा बनाना। और रिटर्न गिफ्ट में मैं ये वाला फ़ोन दे रही थी, एक छोटा सा कीपैड वाला, तो उसी को मैं ऑन करके देख रही थी। अभी मैंने अभी इसको मतलब ख़रीद के घर पे मंगवाया हुआ था, तो ये जो फ़ोन है ये बटन वाला ही है, और मैंने उनको दे दिया क्योंकि रिटर्न गिफ्ट मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही था। तो चलिए, मैंने ना आज आप सबसे बहुत ही ज़रूरी बात भी करनी है, और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है, क्योंकि मैंने अमेज़ोन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, और जो कि मैंने लिए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। ये देखिए ये रही साड़ी, और ये साड़ी मैं दे रही हूँ विदाई में। ये देखिए येलो कलर की साड़ी है, और ये छोटे से बाबू के लिए ड्रेस है, क्या बोलते हैं कपड़ा, जो छोटा बाबू एकदम। आप लोग कमेंट कर रहे हैं अंग्रेज की तरह बच्चा कौन है, उस बच्चे के लिए मैं ये गोलू प्रियंका लेके आई हैं। ये पैंट है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुंदर सा है, हाँ हाँ, हम लोग कमेंट किए हैं उसके लिए। हाँ ये देखिए, ये सिंदूर बिंदी, ये सिंगार की चीज़ें मैंने लगा दिया है, और ये है, और उसके साथ में ये है, ये एक फ़ोन मैं दे रही हूँ। ये आप लोग बताइएगा। और मुझे ना आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी, तो अभी जाके मैं नहा धो के आ गई हूँ, और मैं सोच रही थी ना कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की जो भी डायमंड ज्वेलरी जो भी है उसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा देती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी रेडी हो जाऊँ अच्छे से, तो मैं वो शाम तक ना, आज शाम तक मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ में अपडेट कर दूंगी। और ना मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी, पहले मैं रेडी भी हो रही हूँ साथ साथ में। तो अभी ना अमेज़ॉन पे बहुत बड़ी सेल जो है वो लाइव होने वाली है, और मैं बता दूँ कि अमेज़ॉन पे आपको प्रोडक्ट पे लगभग आपको 50% तक का ऑफ तो मिल ही जाता है। तो मैंने ना
कुछ प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाए हुए हैं। हॉल वीडियो तो आप लोगों ने मेरी देख ली, तो मैंने कुछ मेकअप के भी प्रोडक्ट्स मंगाए हुए थे कि घर में बर्थडे था, गेस्ट आ रहे थे, तो सबके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई थी। और यहाँ पे देखिए, ये है पॉन्स की क्रीम, ये पॉन्स की लाइट मॉइस्चराइजर है जो कि नॉन स्टिकी है। इसका सभी प्रोडक्ट का लिंक ना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ये बहुत लाइट वेट होता है और इसकी स्किन पे ना बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ लोगों ने ना इतनी निगेटिविटी की है। सिंपल सा छोटा सा मैंने एक गेट टुगेदर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे यूट्यूब से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं था। जितना मैं हर साल करती हूँ उससे थोड़ा सा अच्छा और बेहतर करने की कोशिश की थी। कुछ लोग आए जो कि मेरी बिटिया रानी को आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सबकी ना, तो हर छोटी छोटी चीज़ को लेके मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ करते हो और दिल से करते हो तो वो चीज़ अच्छा ही होता है, और अच्छा ही हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे ऐसे बोल दिया। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है, ये है Lakmé का 3D कवर फाउंडेशन SPF 30, इसमें आता है। और ये 3D फाउंडेशन है जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। और ये ना सारे प्रोडक्ट के बाय लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आ ही रही है, आपको पता ही है ज्वेलरी क्या क्या मिली है उस पर वीडियो आएंगी। तो मैं अच्छे से थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के और इसको ब्लेंड कर लूँगी, ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और ना मैं बहुत अच्छे अच्छे अमेजोन के वीडियो भी लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग वेट करिएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। और ना मैंने ना अभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग की ना वीडियो का फर्स्ट पार्ट ही अपलोड किया हुआ है, कुछ ही मतलब घंटे हुए हैं अभी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मुझे इतने सारे हेट कमेंट मिल रहे हैं कि दीदी मतलब दीदी तो कोई नहीं बोल, इतने प्यार से बोल रहा है ऐसे कि आप अपनी बेटी का गिफ्ट है तो खुद ही उसको लगा उसको ओपन करने दीजिए। देखिए सीजर उसको लग जाएगी, फैन बंद कर दो प्रियंका, फैन बंद कर दो, सीजर उसको लग जाती, इसीलिए मैंने अनबॉक्स किया। और वो मैं मस्ती मजाक में बोल रही हूँ कि ये मेरे लिए, मुझे पता है मैंने बेटी का बर्थडे मनाया और ये गिफ्ट उसके लिए है। चॉकलेट्स है या कुछ भी चीज़ें हैं, वो ड्रेस है, तो क्या मैं वो पहन लूँगी, मैं ले लूँगी। तो माँ की ममता पे आप लोग सवाल उठा देते हैं, जो माँ अभी एक दिन पहले अपनी बेटी का बर्थडे इतने अच्छे सेलिब्रेट की है, मतलब कहाँ से कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं तो निगेटिविटी खोज ही लेनी है, मैं क्या बोलूँ। उसके बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है Maybelline FitMe का लूज पाउडर, जो कि फिनिशिंग लूज पाउडर है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब FitMe Lakmé के जो प्रोडक्ट होते हैं आपको खुद ही पता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा मैं ना आप लोग के साथ में शेयर भी कर रही हूँ, ये अमेजोन के जो मैंने मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं वो, और जो भी ड्रेसेस मैंने लिया हुआ है उनके अगर मुझे लिंक होंगे वो भी मैं सारा कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बस मुझे अनबॉक्सिंग ही दिखानी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी अच्छे तरीके से रेडी हो जाती हूँ और आप लोगों के ना उस कमेंट के रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरीके से मत करिए। तो ये मैंने लगा लिया हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा लूज पाउडर यहाँ भी, इससे क्या होता है ना ये हमारे मेकअप को सेट कर देता है और अच्छे तरीके से ना ये एक फिनिशिंग लाता है ये लूज पाउडर जो है। तो अगर आप एक अच्छा लूज पाउडर लेना चाह रहे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, लिंक में वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। अभी देखिए मैंने लूज पाउडर भी लगा लिया हुआ है। देन मैंने ये लिया है स्विस ब्यूटी का ये पैलेट, जिसमें आता है यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा मिरर और इसमें आता है हाइलाइटर, जो हाइलाइटर के दो सेट आते हैं, और यहाँ पे ब्रॉन्जिंग, और आपको यहाँ पे आई शैडो एंड ब्लश सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं ना एक पैलेट में सारी चीज़ें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया हुआ सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ किया, जो कि मैं सेटाफेल का यूज़ करती हूँ 50 SPF वाला इनका, क्योंकि 30 SPF वाला से ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है, ज़्यादा हैवी
ज़्यादा अच्छे कवरेज के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और मैं बता दूँ कि ये सेटाफिल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने अभी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, अभी जो नई वाली लिपस्टिक मंगाई है वो दे दो तो प्रियंका। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है फेसेस कनाडा की, कनाडा का लिपस्टिक, जो कि बहुत 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 अच्छा है। और इस ये ना 600 के अराउंड में आता है, प्राइस थोड़ी सी ठीक ठाक है लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस लिपस्टिक का लिंक दे दूँगी तो एक बार आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। और सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का गिफ्ट माँ नहीं खोल सकती, बच्चे का खाना माँ बना सकती, उसको तैयार कर सकती, उसको स्कूल भेज सकती, अरे छोड़ो उसको जन्म दे सकती, लेकिन ये कहाँ का भेदभाव है मुझे नहीं समझ में आया। मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि गिफ्ट जो है वो बच्चे ही उनके खोलते हैं। और जैसे गोलू प्रियंका ने गिफ्ट दिया था रम्या को, तो रम्या ने ओपन कर लिया था, क्योंकि हमें वीडियोज़ का काम होता है, वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए मुझे शेयर करना था तो मैंने ओपन कर लिया। और ऐसा नहीं था खींचा था नहीं, वो हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। देन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लॉरियल की लिपस्टिक इसके ऊपर से, जो कि इस लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था और मेरे लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्लम्पी, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इसके बाद मैंने काजल लिया हुआ है, सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे उससे। मैं उसको मैंने इसे इस तरीके से लगा लिया हुआ है और फिंगर की हेल्प से इसको स्मच करूँगी, जिससे कि बहुत ही प्यारा सा हमारा आई शेडो जो है वो यहाँ पे लग जाएगा काजल से। क्योंकि मैंने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी तो मैंने सोचा कि चलो, और गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो बस शाम तक आ जाएगी, थोड़ी ही देर में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। मैंने फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए प्रेस कर लिया हुआ है, जिससे ना एक मतलब स्मोकी आई तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये आई मेकअप। मेरे सिस्टर जो है वो दोनों पूछ रही थी कि तुमने इतने अच्छे से मेकअप कैसे कर लिया, इतना अच्छा आई मेकअप कैसे लगा लिया। तो अमेज़ोन की डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और वहाँ पे जितने भी ऑफर्स होंगे ना सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिससे कि अगर आप परचेस करते हैं ना तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी। और इनके प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत फास्ट होती है, मैं गाँव में रहती हूँ, मुझे 2-3 दिनों में ना प्रोडक्ट बहुत ही ईजिली डिलीवर्ड हो जाते हैं। देन मैंने इसके बाद में हाइलाइटर लिए, इसी पैलेट से मैंने सारी प्रोडक्ट को लिया और अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए अप्लाई कर लिया हुआ है। यहाँ पे ना थोड़े से हम इसी वजह से परेशान से हो गए थे, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, आज तो मेरी आवाज़ भी निकल रही है, मेरी आवाज़ भी नहीं खुल पा रही थी, ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी। और अभी भी काम ऐसे नहीं कि हो गए हैं, बस हम कैसे भी खाना बना के खा ले रहे हैं, पूरे घर की सफाई, बेडशीट धुलना, सारे लोगों का भी मैंने देखी, अरम्या की बुआ भी चली गई, उनकी भी विदाई कर दी मैंने, तो मैंने साड़ी दिया, उनको फ़ोन दिया, क्योंकि ना फ़ोन के ना उनका फ़ोन ना ख़राब हो गया था। अब आप बोले कि कौन सा, आपने एंड्रॉयड दे दिया कि आपने दिखा दिया, मुझे पता है आप बोल सकते हैं। तो उनको ना एंड्रॉयड चलाने में वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कीपैड ही चलाती हैं, और मुझे लगता है कीपैड बेस्ट है बात करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि आजकल तो वाईफाई या टीवी में लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर पिक किया और अपने मेरी साड़ी में ना इस तरीके से छोटे छोटे से ना डायमंड लगे हुए थे, तो इस वजह से मैंने अपना जो मेकअप है उसको मैंने थोड़ा सा वाइटिस, थोड़ा सा ब्लैक, मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाने की पूरी कोशिश करी। और फिर उसके बाद अब बारी थी लाइनर अप्लाई करने की, तो मैंने यहाँ पे लाइनर भी अप्लाई कर लिया हुआ है। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरे बर्थडे ब्लॉग को इन्जॉय करिए, ना कि किसी भी तरह की निगेटिविटी करिए, क्योंकि उससे मन दिल दुखता है, क्योंकि हम इतना अच्छा से सब कुछ अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा मन को ठेस पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया हुआ है ब्लश और बस उसी पैलेट से स्विस ब्यूटी के, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रहने की लिप प्राइमर, बहुत अच्छा है ये लिप ग्लॉस, माफ़ करिएगा। और इसको मैं ना थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप के लिए, मेरा ट्रिक है, इसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अमेज़ोन से मैंने इसको लिया हुआ है, इसको भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेरे अमेज़ोन हॉल वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। मैंने लिया हुआ है हाइलाइटर, और हाइलाइटर मैंने गोल्डन नहीं लिया है, मैंने थोड़ा सा सिल्वर कलर का लिया है, क्योंकि आज का थीम ही था थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा सिमरी जो है वो लुक। और फिर उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है बनाओ।
तो यहाँ पे कितना अच्छा है ना, मेरी सिस्टर है तो मैं चाय बनवा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है, मोस्टली चाय मैं ही बनाती हूँ, बट वो भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो चलिए, इतना सारा मैंने आप सबसे बातें भी कर ली। अब मैंने यहाँ पे लाइनर भी अप्लाई कर लिया हुआ है, लिपस्टिक मैंने ऑलरेडी लगा लिया हुआ था, ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया, हाइलाइटर, सारे प्रोडक्ट का लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं आप सबसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, और किसी को भी इस तरीके से निगेटिव मत बोलिए जिससे कि उसका मन दिल दुखे। अभी देखिए मैं हो गई हूँ अच्छे से रेडी, और मेरा जो फाइनल लुक था वो भी आप लोग देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। मैं लग रही थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी, वैसे मैंने ना कॉम्ब नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दबाजी मुझे ये वीडियो